नमस्कार, स्वागत है आपका। नाम तो इसका मिराज 2000 है, लेकिन फेमस हो चुका है बालाकोट बॉय के नाम से। ये वही विमान है जो बालाकोट गया था और एयर स्ट्राइक की थी। दिलचस्प कहानी ये है, कहानी सुनाता हूँ आपको। एक कहानी ये है कि इसके और सूटहड़ी MKI के बीच चुनना था कि किसे चुना जाए, इसको चुना जाए या उसको चुना जाए। अब दरअसल इसकी जो कहानी है ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जब आप इस विमान को देखते हैं और इसके सामने अगर आप कंपेयर करें इसे सूटहड़ी MKI से, तो आप देखेंगे दोनों के साइज़ में सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर है। सूटहड़ी MKI जो है वो लार्ज एयरक्राफ्ट है और उनका पाकिस्तानी रडार में आ जाना थोड़ा सा ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जब आप इस विमान को देखते हैं तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसराइल से जो स्पाइस 2000 बॉम्बर्स आए थे जो कि बरसाए गए बालाकोट में, वो निश्चित तौर पर इन पे वो इनबिल्ट थे और उनको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी थी। ऐसे में इस विमान का चुनाव हुआ मिराज 2000, जो कि 1982-83 के वक्त से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। वही दसों कंपनी है जिससे रफाल बनकर आए हैं, सेम कंपनी है दोनों की रफाल। और अगर आप इसकी कंपनी पर नज़र डालें तो दसों एविएशन ही है, फ्रेंच मेड ही है, लेकिन दोनों का वक्त देखिए कितना अंतर है। दोनों का एयर स्पेस जो ट्रैवल टाइम है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और दोनों को जिस रास्ते से लाया गया है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन ये निश्चित तौर पर वही विमान जो अभी भी उस आया 83-84 के वक्त से है, लेकिन अब भी इतना ज़्यादा आधुनिक है कि जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के लिए चुना गया तो इसी विमान को चुना गया। स्पाइस 2000 बॉम्बर्स लगाए गए और बरसा दिए गए, और उसके बाद हमने देखा कि तस्वीरें क्या थी। पाकिस्तान मुकरता रहा, लेकिन पाकिस्तान के मुकरने का दरअसल कोई असर हुआ नहीं, क्योंकि ये जो बालाकोट बॉय है इसने अपना काम तब तक कर दिया था, न दुश्मन को पता चला न रडार में आया, और यही इसकी खासियत थी, इसीलिए इसे चुना गया था। और जो भी रणनीति बनाई गई थी उस पर ये पूरी तरह से खरा उतरा। फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंच मेड है, जो मैंने आपको बताया जिस कंपनी से रफाल को लाया गया उसी कंपनी से जो है मिराज 2000 आते हैं, फ्रेंच मेड है, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम स्पीड जो है वो मार्क 2.2 है, 18 किलोमीटर का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है, और मैक्सिमम रेंज जो है वो 3400 किलोमीटर है। तो ये अपने आप में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे दिलचस्प कहानी है, लोग नहीं जानते थे यार, लेकिन ये जो कहानी है जो बालाकोट बॉय नाम पड़ा उससे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। निश्चित तौर पर अगर आपको ये कहानी पता है तो भी हमें बताइए, नहीं पता है तो भी हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको लगातार भारतीय वायुसेना की ताकत दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।